सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य और भारत में सबसे आखिर में शामिल किया गया, यह भारत का 25वां राज्य है। मुंबई से दक्षिण में केवल 594 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवा साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। खासकर अक्टूबर से लेकर जून तक पर्यटकों की से ये गोवा पूरी तरह से क्राउडेड होता है। केवल 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गोवा की खूबसूरती देखते ही बनती है। व्हाइट और गोल्डन कलर की सैंड बेहद ही लुभावने और एकदम ही साफ सुथरे समुद्र किनारे देखकर आपको भारत में है या किसी और देश में इसका एहसास ही नहीं होता। एक तरफ हरे भरे नारियल और अन्य वनस्पति इस पर चार चांद लगा देते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने धनुष बाण समुद्र में मारकर समुद्र को पीछे धकेल दिया और गोवा की खूबसूरत जमीन का निर्माण कर दिया। गोवा पर लगभग 450 साल पुर्तगीजों ने शासन किया और इसी कारण यहाँ की संस्कृति पर गोवा की पुर्तगीजों की गहरी छाप दिखाई देती है। लेकिन दुनिया भर के पर्यटकों को तो यहाँ के वर्जिन समुद्र किनारे बीचेस अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें कलंगुटे, बागा, अंजुना, डोनापोला ये प्रमुख बीच माने जाते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। गोवा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर गैम्बलिंग कैसीनो पूरी तरह से कानूनी है। सरकार ने शराब और पेट्रोल पे सबसे कम टैक्स लगाने के कारण देश के अन्य हिस्सों से हिसाब से गोवा में पेट्रोल और शराब काफी सस्ती मिलती है। कई सारे पर्यटक तो केवल ड्रिंक करने के बहाने ही गोवा आते हैं। गोवा के समुद्र किनारों में से कई सारे समुद्र किनारे केवल विदेशी पर्यटकों के लिए ही आरक्षित किए गए हैं। गोवा मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित किया गया है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। गोवा को देखने के लिए आपको 3 नाइट 4 डे का पैकेज काफी हो जाता है। लेकिन अगर आप गोवा में एंजॉय करना चाहते हैं और रिलैक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए 8 से 10 दिन भी कम पड़ जाएंगे। गोवा के खूबसूरत बीचों पर आप पैरासेलिंग, बनाना राइड, स्नॉर्कलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट के साथ साथ स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट और वाइल्ड लाइफ सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। मांडवी रिवर में आप रोमांटिक क्रूज राइड का भी मजा ले सकते हैं और वो भी म्यूजिकल बॉलीवुड डांस के साथ। और जी हाँ, आप अपना नसीब आजमाना चाहते हो तो मांडवी रिवर के अंदर बसे कैसीनो में जाकर आप गैम्बलिंग भी कर सकते हैं। पणजी के खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज गिरजाघर में जाकर आप अपने मन को शांति दिला सकते हैं। साथ ही आप यहां पर चर्च के पूर्व पादरी की मम्मी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा गोवा में किले, केव्स टेंपल, म्यूजियम, रॉक आर्ट, वाटरफॉल और गोवा के प्राचीन मकानों की खूबसूरती गोवा के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गोवा की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करने से कई सारे निर्माते भी अपने आप को नहीं रोक पाए, जैसे कि एक दूजे के लिए गोलमाल, सिंगम जैसी अगणित फिल्में यहाँ पे शूट की गई है और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गोवा की कैपिटल पणजी है तथा वास्को यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। गोवा देश के सभी प्रमुख शहरों से रोड, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ गया है। गोवा में आपके बजट के अनुसार 2 स्टार से लेके 5 स्टार लग्जरी होटल्स मिलेंगे। साथ ही पर्यटकों को सिटी का दर्शन करने के लिए या फिर बीच में घूमने के लिए यहाँ पर किराए पर बाइक और कार सेल्फ ड्राइव के लिए मिलती है।
क्रिसमस मनाने के लिए और नया साल मनाने के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंदीदा केंद्र गोवा ही है। तो इस साल का नया साल मनाने के लिए आप भी गोवा में जरूर जाइए। तो दोस्तों, ये था गोवा के बारे में कुछ रोमांचक जानकारियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक देखते रहिए अमेजिंग वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।